नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड-19 के खतरनाक नए वेरिएंट से बिहार में भी खतरा। राजगीर फतुहा, सवारी गाड़ी हुई डीरे। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को दिखाया आईना। बिहार में मिले कोविड-19 के 5 से कम मामले। बिहार में मैट्रिक पास 115 सिपाही, 3 दिनों के लिए बने दरोगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रिमझिम मामले की सुलझी गुत्थी। राजधानी पटना में बहुचर्चित रिमझिम चतुर्वेदी मामले का खुलासा पुलिस ने कर ही दिया। गाजीपुर के डेंटिस्ट की पत्नी और ब्यूटी पार्लर संचालिका रिमझिम की जान लेने के मामले में बड़ा खुलासा पटना SSP उपेंद्र शर्मा ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि रिमझिम की जान पहचान पूनम नामक एक महिला ने रोहित से करवाई थी। रोहित परेशान चल रहा था और वो तंत्र मंत्र के माध्यम से पूजा पाठ करना चाहता था और रिमझिम तंत्र मंत्र के माध्यम से पूजा पाठ करती भी थी। इसी दौरान कई बार रिमझिम ने रोहित के लिए पूजा पाठ किया। रोहित पर पहले से ही काफी कर्ज था। उसने 2 बहन की शादी की थी, जिसके कारण यह उनके ऊपर EMI का बहुत सारा पैसा चल रहा था। इसलिए उनके तंत्र मंत्र का सहायता लिया और रिमझिम उसके लिए तंत्र मंत्र से पूजा पाठ करने लगी। लेकिन धीरे धीरे इसे रोहित को लगा कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र से फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने पूजा पाठ करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद रिमझिम ने उसे धमकी दी कि तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे और रोहित परेशान रहने लगा। उसी के बाद रोहित ने अपने 4 दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया और अपराधी से संपर्क साधा और 4 लाख में सौदा तय हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कोविड-19 के खतरनाक नए वेरिएंट से बिहार को भी खतरा। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसके बाद बिहारवासी संतोष में नजर आ रहे थे कि शायद उन्होंने इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन कोविड-19 के नए वेरिएंट ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। साउथ अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरियंट का असर बिहार पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार को जो जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक बिहार के 108 लोग उन देश की यात्रा कर लौटे हैं जहां यह बेहद खतरनाक वेरियंट पाया जा चुका है। गंभीर बात यह है कि केंद्र ने जिन 108 लोगों की सूची बिहार सरकार को भेजी है, उसमें सूबे के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी अधिकारी का नाम भी शामिल है, लेकिन महिला अधिकारी ने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉक्टर निहारिका शरण का नाम है। निहारिका की माने तो उन्होंने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की ही नहीं है। बिहार के इन 14 जिलों में ठंड का अधिक रहेगा असर। बिहार में ठंड का असर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। शाम होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। रात गुजरने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। सुबह की शुरुआत और धुंध के साथ होने लगी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास भी रहने लगा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक का और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण के हालात भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय आदि जिलों में ठंड का असर इस बार अधिक देखने को मिलेगा। राजगीर फतुहा, सवारी गाड़ी हुई रेल। नालंदा जिले में आज सुबह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जहां राजगीर फतुहा सवारी गाड़ी डीरेल हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रेन के खुलने के साथ ही 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार पटरी के किनारे लकड़ी का गुटका पड़ा हुआ था, जिसको नहीं हटाने के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल घटना की सूचना के बाद उच्च अधिकारी घटनास्थल की तरफ पहुंच चुके हैं और घटना राजगीर से फतुहा जाने के दौरान रेलवे स्टेशन पर हुई है। पंचकोशी परिक्रमा मेला का आज होगा समापन। विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा के साथ पंचकोशी परिक्रमा मेले का समापन आज होने वाला है। बक्सर जिला की पहचान बन चुकी पंच दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा मेला में श्रद्धालुओं की काफी श्रद्धा देखने को मिली। बीते 24 नवंबर से शुरू हुए 5 दिनों तक चलने वाली पंचकोशी परिक्रमा मेला का चरित्र वर्णन में लिट्टी चोखा के भोग के साथ समापन आज होगा। एक तरफ जहां ठंड होने के बावजूद भी पंचकोशी परिक्रमा मेला में आए श्रद्धालु और संत समाज 5 दिनों तक भक्तिमय माहौल में आनंदित दिखे, वहीं दूसरी तरफ राम के देश में उपेक्षित हो रही राम की निशानी से नाखुश भी नजर आए। मेले का हिस्सा बनने पहुंचे लोगों की माने तो बक्सर की पहचान पंचकोशी परिक्रमा मेला के हर स्तर पर सरकारी उपेक्षा होती रही है। परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी गई। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलेगी अब एक क्लिक में पूरी जानकारी। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने किया है। इस वेबसाइट में विश्वविद्यालय के सभी विभागों, संस्थानों और कॉलेज का विवरण मौजूद रहेगा। इस वेबसाइट पर एक पूर्ण संकाय प्रोफाइल प्राप्त होगा। प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की माने तो नई वेबसाइट को नई तकनीक और
काफी जानकारियों के साथ लाया गया है। यह वेबसाइट पूरी तरह से मॉडिफाइड और डायनामिक है। इस वेबसाइट में विश्वविद्यालय के फैकल्टी खुद वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन अपडेट और एड ऑन कर सकते हैं। बिहार में मिले COVID-19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो रोहतास में 1, सिवान में 1 और वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,75,902 सैंपल की जांच की गई और इस दौरान 9 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में मैट्रिक पास 115 सिपाही 3 दिनों के लिए बने दरोगा। उग्रवाद प्रभावित बांका के 2 प्रखंड में कल यानी कि 29 नवंबर को मतदान होने हैं। इसमें पुलिस पदाधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए मैट्रिक पास 115 सिपाहियों को 3 दिनों के लिए दरोगा बनाया गया है। इसके लिए प्रभारी रेंज DIG निताशा गुड़िया ने विधि व्यवस्था की बेहतरी के लिए 27 से 29 नवंबर 2021 तक 3 दिनों के लिए 115 सिपाहियों को तदर्थ प्रोन्नति देते हुए सहायक अवर निरीक्षक बना दिया है और अब नए विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए DIG ने मैट्रिक पास इन सिपाहियों को 3 दिनों के लिए प्रोन्नति देकर पंचायत चुनाव में लगाने का आदेश बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता को दे दिया है। यानी कि आने वाले 3 दिनों तक छोटे साहब की हनक में यह जवान रहेंगे। 1.5 साल बाद मुजफ्फरपुर से गुजरी न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस। COVID-19 की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, जिसके बाद कई सारी रेलवे प्रभावित हुई थी। इसी कड़ी में गाड़ी संख्या 12523 न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन भी बंद की गई थी, जिसकी शुरुआत एक बार फिर से बीते दिन से हो गई है। राजधानी की तरह ही यह भी एक सुपरफास्ट ट्रेन है, जो कि सप्ताह में 2 दिन चलाई जाती है। इस ट्रेन के चलते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मुजफ्फरपुर में यह ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म से होकर गुजरी, हालांकि कोहरे के कारण डाउन वैशाली एक्सप्रेस सहित अनेक एक्सप्रेस ट्रेन जंक्शन पर लेट पहुंची। समस्तीपुर के स्कूली छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगे पोस्टकार्ड। समस्तीपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्र देश के प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने नायक और 2047 में मेरा भारत की परिकल्पना से अवगत करवाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डाक विभाग के तहत यह काम होने वाला है। इस मुहिम को लेकर समस्तीपुर डाक मंडल को 40,000 पोस्टकार्ड लेखन कलेक्टर दिया गया है। अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा। डाक परिमंडल और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अभियान शुरू किया जा रहा है। जिले में भी यह अभियान प्रत्येक 20 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर जांच निरीक्षकों को स्कूली बच्चों के बीच जाकर पोस्टकार्ड लेखन अभियान के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। पोस्टकार्ड लेखन में कई भाषाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसके तहत अंग्रेजी, हिंदी और संविधान के सभी अधिसूचित भाषाओं का उपयोग छात्र कर सकेंगे। लकी ड्रॉ स्कीम के कारण बिहार में बढ़ी COVID-19 टीकाकरण की रफ्तार। बिहार में सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान को भले ही जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन लोग टीका की दोनों डोज लेने से कतरा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरी डोज लेने वालों के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में लकी ड्रॉ स्कीम का ऐलान किया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। लकी ड्रॉ योजना के पहले ही दिन करीब 10.50 लाख से अधिक लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया। योजना शुरू होने के पहले तक हाल के दिनों में औसतन 5 से 6 लाख लोग कोरोना का टीका ले रहे थे। कोरोना टीकाकरण के लिए 11,901 केंद्र बनाए गए थे। शनिवार सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे के बीच 10.50 लाख ने वैक्सीन की डोज ली है। राज्य में अब तक 7.97 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इनमें 5.39 करोड़ ने वैक्सीन की एक और 2.57 करोड़ लोगों ने दोनों डोज ले ली है। पीएम मोदी ने कहा, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया। यह मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और मोबाइल ऐप पर किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना से लेकर स्टार्टअप और पर्यावरण पर बात की। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करते हुए शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजेश कुमार प्रजापति से बात करते हुए इसके फायदे पूछे तो प्रजापति ने कहा कि मुझे बहुत फायदा हुआ है सर, मैं आपको हमेशा सत्ता में देखना चाहता हूं। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने सीएम पर कसा तंज। बिहार में शराबबंदी कानून भले ही सालों पहले लागू कर दी गई हो, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, इसका प्रमाण आज सामने है। एक कारण है कि सरकार चौतरफा इस मामले को लेकर घिरी हुई है और पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाया जाए। इसी कड़ी में हाल ही में बिहार में शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया था, जहां पर सभी लोगों को शपथ दिलवाई गई कि वो ना शराब पिएंगे और ना पीने देंगे। इसी को लेकर लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान ने सरकार का घेराव किया है और कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भोले हैं, उनको लगता है कि शपथ दिलाने से लोग शराब पीना छोड़ देंगे। शपथ दिलाने के बाद लोग शराब छोड़ दें तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को बाहर निकलकर हालात को देखना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को दिखाया आईना।
इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारे में शराबबंदी के साथ साथ नीति आयोग की तरफ से की जा रही रिपोर्ट भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसी के आधार पर लगातार विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल एनडीए सरकार जो है एक तरफ ये लगातार दावे करती आई थी कि जीडीपी के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार वाले और बिहार का वित्तीय मैनेजमेंट दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जिस पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। विकास की बड़ी बड़ी बातें सुनने वाली सरकार के दावों की पोल खुल गई है। क्रिस गेल के आखिरी इंटरनेशनल मैच को लेकर सीडब्ल्यूआई ने दिए संकेत। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने हाल ही में क्रिस गेल के आखिरी इंटरनेशनल मैच को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इससे पहले क्रिस गेल को उनके गृहनगर में विदाई मैच सौंपने के लिए विचार विमर्श भी किया जा रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के महान ओपनर क्रिस गेल को दमदार विदाई देने का मन बना रहे हैं। वहीं 42 वर्षीय क्रिस गेल ने हाल ही में अपने गृहनगर में अपना आखिरी मैच खेलने की इच्छा व्यक्त की है और सीडब्ल्यूआई ने कहा है कि इस पर विचार के खिलाफ नहीं है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जमैका में उनको आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिल सकता है। इस बाबत वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिकी क्रेट्रिक ने कहा है कि हम चाहेंगे कि यह विचार के स्तर पर है, हम समय या प्रारूप पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। क्रिस गेल की विदाई जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ एक T20 इंटरनेशनल मैच के साथ भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार COVID-19 के नए वेरियंट मिलने के बाद बिहार सरकार को दूसरे राज्यों के साथ यातायात सेवाएं बंद कर देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।